हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो में किस टाइप से हम यहाँ पे जो है MIUI i5 यहाँ पे किस टाइप से इंस्टॉल करेंगे, जो कि आप लोग ने थंबनेल में देखा था। एंड आप लोग को अभी भी थोड़ा बहुत समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं आप लोग को आगे चल के पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसमें आप लोग के फ़ोन का जो लुक रहेगा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है, जिससे आप लोग काम और भी आसानी से होगा एंड आप लोग का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रीमियम यहाँ पे फील होगा। तो किस टाइप से आप लोग इस MIUI i5 को इंस्टॉल करेंगे सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक से यहाँ पे कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, इसे ओपन करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा। तो यहाँ पे स्वाइप ऑफ लेफ्ट करते हैं, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देते। इस टाइप से हमने इसे परमिशन दे दिया। उसके बाद फिर से हम बैक कर देगा, इस पर यहाँ पे ड्राइव ओवरलेस है, इस पर हमें इनेबल कर देना है। उसके बाद सो नोटिफिकेशन, तो इसे भी हमें इनेबल कर देना है। ओके फ्रेंड, तो इनेबल करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन बोलेगा, तो परमिशन भी यहाँ से हम इसे अलाउ कर देते। उसके बाद नॉन आ गया, उसके बाद ब्लर बैकग्राउंड हो गया, या आप लोग के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अभी तो मैं यहाँ पर नॉन ही रहने देता हूँ, उसके बाद मैं और करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को ओके कर देना है। लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे लास्ट पेज पे आ चुके गाइस, और यहाँ पे आप लोगों को दिखने में मिल रहा होगा सर्विस नॉट रनिंग, तो इसे हमें ऑन कर देना है। और जैसे हम इसे ऑन करते हैं, नीचे से आप लोग जैसे ओपन द पैनल, तो यहाँ पे आप लोग अगर ऊपर साइड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस टाइप का पैनल, जैसे आप लोग अभी देख सकते हैं। इसमें आप लोग का वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, लोकेशन, पोर्ट्रेट, वाइब्रेट, टॉर्च, इस टाइप का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप लोग इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर में आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं, जिसमें कि आप लोग अपना नोटिफिकेशन पे कंट्रोल पैनल जो रहता है वो आप लोग अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अपने आप में ही। उसके बाद हैंडल, लेआउट, नोटिफिकेशन वगैरह 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 यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड गाइस आप लोग इसे फ्लोटिंग विंडो मैनेजमेंट से परमिशन दे रहे ना बोले ओप्पो के डिवाइस यूज़ कर दे दो, यहाँ से हम इसे परमिशन दे देते। तो यहाँ से आप लोग जो है अब आप लोग के जो कंट्रोल पैनल रहता है वो प्रॉपरली वहाँ पे वर्क करेगा, एंड आप लोग अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट होगा कमेंट करना बोले, हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो दें, जय माता दी।